पूर्व एसआरसी वार्ता दुकान में भिड़ न लगे पुलिस कमिश्नर का परामर्श। पश्चिमबंगे पुणि टीएमसी सरकार 214 आसन सह आज सरकार गठन पर प्रस्ताव देवे ममता विपुल विजय पर अभिनंदन जनइले नवीन बीजेडी कहला आंचलिक दलर दबदबा जारी 2024 रे भी रहिब बीजेपी रो जवाब आग को हेबो पतन। कमुनी कोरोना कोप राज्य में संक्रमण सांघातिक स्थिति दिनक 8914 आक्रांत चिन्हट खोर्धारु सर्वाधिक 1258 सुंदरगढ़ 592 नवरंगपुर 433 पॉजिटिव रेड जोन ने 19 जिला 5 मृत। राज्य आरंभ है तृतीय पर्याय टीकाकरण भुवनेश्वर में 18-44 वयस वर्ग नागरिकों दिगला प्रथम डोज टीका आप जरिया पंजीकरण व्यक्ति को मिलु स्लॉट। आईएफएस अभयकांत पाठक को बाध्यतामूलक अवसर राज्य सरकार सुपारिश उपरे राष्ट्रपति अनुमोदन सरकारी पदवीर अपव्यवहार करते अभयकांत पाठक दुर्नीति विरोध में सरकार शून्य सहिष्णुता नीति। नमस्कार टॉप 5@5 को आपण मानक स्वागत करुछि मु बंदिता आसीबा प्रथम टॉप खबर को आसंता 5 तारीख रु 19 तारीख पर्यंत राज्य रे लॉकडाउन घोषणा करिसंती सरकार। ई लॉकडाउन बेले केवल अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोला रहिबो तेनु लॉकडाउन पूर्व रु केही भयभीत होंतु नाही आवश्यकता ठारु अधिक जिनिस न किणिबा को परामर्श देछंती एसआरसी एतिस अत्यावश्यक सामग्री दुकान ने भिड़ न करिबा को एसआरसी प्रदीप जेना परामर्श देछंती। आपण माने समस्ते जानते राज्य सरकार आसंता बुधवार सकाळ ठारु 19 मे 19 तारीख पर्यंत सारा राज्य रे लॉकडाउन घोषणा करिसंति एवं एही लॉकडाउन समय रे सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत लॉकडाउन रहिबो एवं शनिवार शुक्रवार संध्या रु सोमवार सकाळ पर्यंत सप्ताहांत शटडाउन जारी रहिबो। तबे एही लॉकडाउन समय रे आमर निर्देशनामा अनुसार केते गुड़े जिनस सबुदिन खोला रहिबो जथा पनीपरिया माछ मांस अंडा क्षीर यही सामग्री आउ तेजराती दुकान गुड़िक सकाळ 6टा रु 12टा पर्यंत सबुदिन खोला रहिबो सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत तेणु अत्यावश्यक सामग्री पई सबुदिन सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत सबुदिन सकाळ 6टा रु 12टा पर्यंत आमर गाँ गहलीर छोटमोट दुकान हो बा सहर रो किछ स्थान रे जो रास्ता कड़ दुकान हो स्ट्रीट कॉर्नर दुकान हो सब खुला रहिबो तेणु यही सोमवार मंगलवार दि दिन जो आज आमको समय मिली बुधवार लॉकडाउन पूर्व यही दि दिन रे आमर हाट बजार रे जाई गहली करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं राज्य रे पर्याप्त परिमाण रो समस्त जिनस मौजूद अछि तेणु कहीं पैनिक बाइंग करिवार आवश्यकता नहीं। ता छड़ा जेहेतु सबुदिन सकाळ 6टा रु 12टा पर्यंत सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत अत्यावश्यक सामग्रीर ये कथा कहली दुकान खोला रहिबो तेणु सोमवार मंगलवार दि दिन पई आमे जाई अजथा दुकान रे गहली करी जिनस किणिवार आवश्यकता पड़िबो नहीं तेणु आमे समस्त अनुरोध करिवु दया करी अजथा गहलीपूर्ण दुकान मानक आगे पर्टिकुलरली ग्रोसरी दुकान आगे आज प्रबल भिड़ आम देखु तेणु जनसाधारण को निवेदन करूँ जे ग्रोसरी दुकान हो बा पनीपरिया दुकान हो बा अन्य दुकान हो जो भी गहली लगी से स्थान को जातु ना कारण गहलीपूर्ण स्थान को गले आमको कोरोना संक्रमण भय अधिक रमें जदि गहलीपूर्ण स्थान को जी जिनस किणवाई चेष्टा कला भितर जदि निजे संक्रमित तो कौन कारण हुए ताहले आमे मध्ये आम पर पुओ झियो बापा माँ भाई भोनी को मध्ये संक्रमित करिवार संभावना रही सेही दृष्टि आम सरकार तरफ मु आपण मानको समस्त को निवेदन करी ओडिशार समस्त भाई भोनी माँ मौसी मान समस्त को निवेदन करी
यही जो सोमवार मंगलवार दु दिन अच्छी यही दिन रे आमे अजथा मार्केट को जाई गहली करिबा नाही एवं आवश्यक ता अनुसार जदि जिनस किणिया को दरकार पड़े ताहले कम गहली जो समय थिबो गहली जोठी नथिबो सेही भली स्थान को जाई कि आमे जिनस किणिबा तबे आउ थरे सूचना दउछु जे सोमवार रो शुक्रवार पर्यंत सबुदिने सकाळ 6टा रो दिन 12टा पर्यंत पनी परिबा माछ मांस अंडा खीर एवं तेजराती जिनसर सामग्री रो दुकान खोला रहिबो तणु आमे ताकू आखिर रखी यही जो दु दिन आमको प्रस्तुतिर सुजोग मिलिछि एही समय रे आमे अजथा गहली करिबा नाही एवं ए लॉकडाउन रो गुटिए मूल मंत्र होजी जे आमे लॉकडाउन घोषणा करिछु एथि पे जे एही समय रे गहली हबनी कम गहली हेले आमे केही बाहर को बाहरिबा नाही अत्यावश्यक दरकार न पड़िले डाक्तरखाना जीवा भलिया काम दरकार न पड़िले आमे अजथा घर बाहर ना गहली करवा ना तेणु ये सोमवार मंगलवार दु दिन मुझे अनुरोध करी यही दु दिन रे समस्त जनसाधारण सरकार सहित सहयोग करूँ अजथा गहली करूँ ना एवं शनिवार रविवार जो दु दिन आम सप्ताहांत सटडाउन हम से दु दिन समस्त प्रकार दुकान बजार बंद र से जनसाधारण सरकार को सहयोग करेंगे एवं जिते बड़े जदि अत्यावश्यक काम बाहर वैक्सीन नापी बाहर को जी लॉकडाउन समय आमर कोविड टेस्टिंग करने दरकार पड़ी डाक्तरखाना जावाक दरकार पड़ी एयरपोर्ट रेल स्टेशन को जवाक दरकार पड़ी तेरे घर बाहर मैंने आम समस्ते ठीक ढंग से मास्क पिंधा एवं सामाजिक दूरत को बजाय रखा आ छड़ा रेगुलरली आमे हाथ साबुन रे धोइबा फल भार बा सानिटाइजर रे हाथ धोइबा मु द्वैत नगर रो जनसाधारण को निवेदन करू छी जे से माने विशेष करी सोमवार एवं मंगलवार पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करंतु नहीं त पैनिक बाइंग रे दस्त रुंतु नहीं काहे कि ना लॉकडाउन समय रे मध्य जो अत्यावश्यक सामग्री रो अवेलेबिलिटी पई सरकार के तरफ रु व्यवस्था करा मु आउ गोटे कथा सूचे देवा चाहूँगी ए लॉकडाउन समय रे वैक्सीनेशन कोविड पाई टीका पाई जो जीवा आसवा व्यवस्था संपूर्ण रूपे खोला रहिबो आउ एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यू निश्चित भाव आम ताकू फैसिलिटेट करिबु ता व्यतीत कोविड टेस्टिंग इत्यादि तार जो व्यवस्था से व्यवस्था रहिबो एवं सरकार बहुत किछि कार्य को यही समय आलाउ कर संपर्कित नियमावली मान प्रस्तुत कर सारी तेणु आम समस्त निवेदन करूँ लॉकडाउन समय नियमावली अनुसार से मैंने अति आवश्यक स्थल में बाहर को आसवे एवं विशेषकर पुलिस भाई मानक कोऑपरेट परवर्ती टॉप खबर को आसीबा पश्चिमबंगे बाजी मारले ममता पुणी गढ़े सरकार पश्चिमबंगे विपुल विजय पर ममता बनर्जी को अभिनंदन जनाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज सका फोन जगे ममता कथ विपुल विजय पर अभिनंदन जनाई नवीन सेपटे निर्वाचन फलाफल को नहीं विभिन्न राजनैतिक दल प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी यह ममता लैंडस्लाइड विक्ट्री आंचलिक दल पुनर्बार दबदबा जाहिर कर देश में यार सुदूर प्रसारी प्रभाव र जातीय दल वेब को रोकवे सहायक होती ममता ममता भोट प्रतिशत भी बढ़ी आंचलिक दल प्रति लोकों सदिच्छा रही नवीन आस्था रही विकास आभिमुख्य नहीं कम करजे पिपिल ने विजे को भोट देवाई लोके स्थिर कर 2024 आंचलिक दल प्रभाव रही विजे उपसभापति सेपटे बीजेपी कही पांचटी राज्य निर्वाचन फलाफल को देखने बीजेपी प्रदर्शन ढेर भल अच्छी आसाम और पुडुचेरी रे बीजेपी सरकार गढ़ जदिव पश्चिमबंगे दल क्षमतासीन हो पारिनी किंतु गत थर तीनटी सीट्रु पाखापाखि 80 सीट हासिल करिछि तेणु निर्वाचन फलाफल आंचलिक दलर दबदबा कथा कहिबा आदौ ठिक नुहे गोटे समय आसुछि आगामी दिन में आंचलिक दलर पतन हेबो सेपटे आंचलिक दलर प्रभाव को अस्वीकार करिपारिनी कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा कहिछन्ति पांच राज्यर फलाफल कहुछि आंचलिक दल जातीय दल को परास्त करिछि बीजेपी और कांग्रेस शत्रुतार फायदा उठाऊ आंचलिक दल ओडिशारे मध्य आंचलिक दलर प्रभाव रही ममता बनर्जी से हैट्रिक कले लैंडस्लाइड विक्ट्री है
ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ 200 ଉପରୁ ତାଙ୍କ କଥା ଅମିତ ଶାହାଜୀ ବି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ 200 ଉପରେ ମମତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ହିଁ ଜିତିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମମତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜିତିବା ବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେ ଦେଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାମିଫିକେସନ୍ସ ତା'ର ସାରା ଭାରତରେ ଏଇ ସମୟରେ ତା'ର ଏକ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କ ଦବଦବା ବି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ 4 ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଣ୍ଡୁଚେରୀ ଆସାମରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲରେ ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 3 ସିଟ୍ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖାପାଖି 80 ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଠି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 4 ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିକରି ବଙ୍ଗାଲ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରଭାବ ପତିଆରାକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସଦାସର୍ବଦା ବିଜୟ ରଖିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଦବଦବା କାୟମ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି 2 ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସ ବା ବିଜେପି ଏକ ଦୁସରକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ବାକି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହା 5 ରାଜ୍ୟର ଆମେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦେଖିଛୁ ମେ 7 ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ 234 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭାରେ ଡିଏମ୍କେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ 169 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମେଣ୍ଟ 75 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି 10 ପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହୋଇଛି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପା କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦଳର ସଠିକ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିଥିବା ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଚେପକ୍ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 8914 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତାଲିକାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗତ 24 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1258 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 592 କଟକରୁ 587 ପୁରୀରୁ 530 ସମ୍ବଲପୁରରୁ 520 ବରଗଡ଼ରୁ 452 ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 433 ଭଦ୍ରକରୁ 351 ଅନୁଗୁଳରୁ 331 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 304 ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 291 ନୂଆପଡ଼ାରୁ 278 ଗଞ୍ଜାମରୁ 262 କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 236 ଯାଜପୁରରୁ 232 ନୟାଗଡ଼ରୁ 194 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 179 ବୌଦ୍ଧରୁ 175 ଗଜପତିରୁ 165 ରାୟଗଡ଼ାରୁ 157 ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 149 କୋରାପୁଟରୁ 145 ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 134 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 132 ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 121 ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 109 କେନ୍ଦୁଝରରୁ 104 ଦେବଗଡ଼ରୁ 103 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ 73 କନ୍ଧମାଳରୁ 62 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟରେ 1000 ଉପରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 19 ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ୍ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି 19 ଜିଲ୍ଲା ସେ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି 12535 ତା ପଛକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 6952 ଅଛି ସେହିପରି କଟକରେ 4865 ବରଗଡ଼ରେ 3511 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 3264 ସମ୍ବଲପୁରରେ 3263 ପୁରୀରେ 2981 କଳାହାଣ୍ଡିରେ 2881 ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 2857 ଅନୁଗୁଳରେ 2737
ନୂଆପଡ଼ାରେ 2625 ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି 2445। ସେହିପରି ଯାଜପୁରରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 2251, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1884, ଗଞ୍ଜାମରେ 1617, ନୟାଗଡ଼ରେ 1319, ଭଦ୍ରକରେ 1246, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1227 ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1126। ସେପଟେ ଆଜି ବି ଦେଶରେ 3000 ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3417 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ। ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 218,969କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପରି ଦିନକରେ 368,147 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,99,25,604 ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 34,13,642 ଅଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇନେବା କରୋନାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ 10 ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 63,282 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 802 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏଠାରୁ 40,990 ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 271 ଜଣ। କେରଳରେ 35,636 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 48 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 30,180 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 304 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 25,219 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 412 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ 19,588 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 147 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 19,412 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 61 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ 17,052 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 160 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 17,512 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 103 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 15,902 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 229 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ। 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିଛି। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। 18ରୁ 44 ବର୍ଷର ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକା ନେବାକୁ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇଠାକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଟିକା ନେବାକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି ଟିକାଦାନ ଜାରି ରହିବ, ତେଣୁ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଜ ପାଳି ପଡ଼ିଲେ ଟିକା ନେବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରୁ, ତାପରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରୁ ଆଉ ଟାଇମିଂ 8:30ରୁ 9:30, ତାପରେ 9:30ରୁ 10:30, 10:30ରୁ 11:30, 11:30ରୁ 12:30। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଟିକା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବୁ ଯାହା ହେଲେ ବି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଇଟାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଏଇଟାକି ଆମେ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡର ନୁହେଁ, ସବୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସୁମନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବୟସ ବର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ର ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଜି ବିଏମ୍ସି ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ପଟିଆ କିମ୍ବା ସାମନ୍ତରାପୁର, ଏମିତି ଯେଉଁ 21ଟି PH ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ସିଏ ଆସିକରି ଅବଧି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଟିକାକରଣ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଆସିବେ ନାହିଁ,
जहाँ आज विभिन्न स्थान में देखा मिले और ताकू नहीं मेडिकल कैपिटल हॉस्पिटल अन्यान सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक परिवेश देखा मिले बारण कराइला मना कराइला जे आउ एठाकू केही द्वितीय बार आसिबे नाही तेणु यह आज गोटे सब रोचकपूर्ण घटना थिला जे केही आउ गहली करिबे नाही किंबा बाध्य करिबे नाही मेडिकल कर्तृपक्ष को एठाकू आसिबा पाई तेणु आज आहुरी थरे स्पष्ट करा जाइछि जे जो व्यक्ति विशेष जो समय निर्घंट अनुसार जाइछन्ति तेणु ताकू सेही समय निर्घंट भितर आसिक पहुँची टीका देवाक पड़ एवं सबुठ रोचकपूर्ण कथ हो जिते बार आज 18-44 वर्ष व्यक्ति विशेष टीका नौते तेणु से मैंने बहुत खुशी अनुभव करते मोटामोटी भाव में जहाँ बर्तमान सरकारी तथ्य कहे जो 26 सेन्टर कराइर 21 हूँ सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रही समय थी 18-44 वर्ष भितर समय थी दिन सकाल 8:00 दिन गोटाए और 45 वर्ष रु अधिक व्यक्ति विशेष दिन 3:00 संध्या 6:00 एवं बर्तमान टीकाकरण जारी रही वयस्क मानी तेणु सब प्रकार व्यवस्था करेणु ता भितर 21 रही सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और बाकी 4 हूँ एम्स रही कैपिटल हॉस्पिटल रही बीएमसी रही सांगे रही बरमुंडा न्यू बिल्डिंग वार्ड एवं सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल एसबु स्थान में पंजीकरण टीकाकरण करेणु जो व्यक्ति विशेष मैंने पंजीकरण करते निर्घंट समय आसी टीकाकरण करते सबुठ बे उत्साहित थे 18-44 वर्ष व्यक्ति विशेष अर्थात युवपीढ़ी मैंने आज टीका देते प्रथम थरपाई तेणु से खुशी प्रकट करते तेणु कैपिटल हॉस्पिटल डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट तांगे बीएमसी जोनाल डेप्युटी कमिशनर स्पष्ट करते आउ गहली अजथार टीका जो मैंने नाक आसुँचर जो मैंने आसुँचान अजथार बेसी मात्रा रहीकि गहली करूँ ना अर्थात संक्रमण व्यापी पारे कि जो मैंने एठाकू आसुँच काले से सुपर स्प्रेडर हे तेणु से आज पूरा बारण अर्थात टीका जो मैंने से मैंने ठिकना समय आसी टीका नहीं घर को जातु और जहाँ कर कि जो समय निर्घंट कर सब प्रकार व्यवस्था कराइला आउ गोटे बड़ कथ हूँ गणमाम प्रतिनिधि मैं स्वतंत्र आरेजमेंट कराइला बीएमसी पक्ष तेणु से टीका नहीं निहाती भाव में टीकाकरण नहीं कि वर्तमान विशेष व्यवस्था करा गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं अन्य वर्गर जमी डिवाइड करा जाए समय जमी करा जाए डिवाइड करा जाए से विभक्तिकरण अनुसार समस्त टीका देवाई अनुरोध कर प्रशासन तरफ धन्यवाद सुमंत सविशेष आलोचना एफएस अभयकांत पाठक को बाध्यतामूलक अवसर को राष्ट्रपति अनुमोदन 1987 ब्याच आईएफएस अभयकांत पाठक अवसर पर राज्य सरकार सुपारिश करते सरकारी पदवीर अपव्यवहार करते अभयकांत पाठक दुर्नीति विरोध में राज्य सरकार शून्य सहिष्णुता नीति अपणई विजिलेंस जेल में पड़ा वरिष्ठ आईएफएस अफिसर अभयकांत पाठक को बाध्यतामूलक अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्र सरकार निकट में सुपारिश करते जड़े सर्वभारतीय सेवा अधिकारी विरोध में प्रथम थर पर राज्य सरकार बाध्यतामूलक अवसर पर सुपारिश करते आय बर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग राज्य विजिलेंस द्वारा गिरफ हो जेल में अच्छा अभयकांत एथसह टाटा मोटर्स रे चाकरी देवा आल जाल कागजपत्र बल ठकई मामलें अभय पुआ आकाश गिरफ हो जेल में अच्छा विजिलेंस द्वारा गिरफ हो जेल जा पूर्व 1987 ब्याच आईएफएस अफिसर पाठक अतिरिक्त पीसीसीए भाव कार्य करुते विजिलेंस द्वारा गिरफ होगा राज्य सरकार निलंबन करते निकट 20 कोटी टंकार अधिक आय बहिर्भूत संपत्ति ठाब हो अधिक आलोचना करने सीनियर करेस्पंडेंट महेश प्रसाद नंद अच्छा आम सहित फोनलाइन में महेश जो कथा नहीं राज्य सरकार सुपारिश करते पूर्व प्रथम घटना यहाँ निश्चित भाव में केन्द्र सरकार वर्तमान अनुमति देती केन्द्र राष्ट्रपति वर्तमान एने की मोहर लगे सारी देखो आईएफएस अभय पाठक की बाध्यतामूलक अवसर पर गोटे बाटी कारण बाध्यतामूलक अवसर पर राज्य सरकार जो सुपारिश करते केन्द्र को से नहीं राष्ट्रपति अनुमोदन मिल सारी यादारा 1987 ब्याच आईएफएस अभयकांत पाठक सरकारी पदवीर अपव्यवहार कर बाध्यतामूलक अवसर पर राज्य सरकार केन्द्र को सुपारिश करते यादारा राज्य सरकार बाध्यतामूलक अवसर देते हैं जदि कहे दुर्नीति विरोध में राज्य सरकार सब जीरो टॉलरेंस नीति को अपने था और जेहेतु भिजिलांस जाल जो वरिष्ठ आईएफएस अफिसर अभयकांत पाठक पड़े तेणु बाध्यतामूलक अवसर देवा नहीं राज्य सरकार प्रक्रिया आरंभ करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्र सरकार को जो सुपारिश करते अनुमोदन मिलूँ ओडिशार जे सर्वभारतीय सेवा अधिकारी विरोध में प्रथम थर पर राज्य सरकार
एक कठोर आभिमुख्य मुख्यमंत्री जो ये सुपारिश को नहीं गोटे पावर करिडर बे चर्चा होता है हटचम सृष्टि होता है पाठक घर आप जानते जो भाव में रेड कर जो संपत्ति ठाप कर विजिलेंस इतिहास प्रथम और से कहो जो पाठक को जो बाध्यतामूलक अवसर प्रस्ताव को जो केन्द्र ग्रहण करने राज्य प्रथम घटना कहुच्छ जेहेतु से सरकारी पदवीर तमाम घटनार पृष्ठभूमि पर आम नजर पकेवा जे जो सरकारी पदवीर अपव्यवहार करते अभयकांत पाठक और मुख्यमंत्री जो केन्द्र को सुपारिश करते से दर्शे से किभली भाव में निज संपत्ति बेआईन भाव में जो प्रचुर संपत्ति ठूल करते आईनत दर्शाप निज पुओर आकाउंट में जमा करते जो बेआईन भाव में पाई अर्थ को पुओ पाठक आकाउंट जमा रखिंट निज पु को टाटा मोटर्स एम डी भाव में परिचय देखिए ठके साय कर जालियाती बेकार युवक युवती ठाकुर जो टाटा मोटर्स चाकरी देवाना गोटे मिथ्या प्रतिश्रुति विपुल परिमाण में अर्थ अभोग में पुओ जी रही टाटा क्राइम ब्रांच गिरफ्त करता और जो विजिलेंस रेड कर बेआईन भाव से जो संपत्ति हासिल करते राष्ट्रपति अनुमोदन हो सर्वभारतीय स्तर में एमती एक घटना निहाती भाव में प्रथम बहुत बहुत धन्यवाद महेश सविशेष आलोचना समस्त रही बुलेटिन को यही रखु नमस्कार।